नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से SSC एस एस सी ए ट्वेंटी फोर सेवन के इस यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस दिन्दूटोरियल बुकैब शो में जहां हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट बुकेबलरी इंपॉर्टेंट बुकेबलरी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट बुकेबलरीज है और कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूजपेपर के माध्यम से उन्हें भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को कैसे भाई सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राधे राधे आ जाओ फटाफट फटाफट से आज के सेशन का करेंगे जबरदस्त तरीके से और जो भी लोग आ चुके हैं दिल से स्वागत रीता रंजीत संध्या आयुषी रवि आकाश आ जाओ आ जाओ जल्दी से सभी लोग सभी लोग फटाफट फटाफट से सेशन से से में जुड़ जाएंगे सो वी कैन स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग सेशन और सेशन बहुत कमाल का होगा तो अंत तक अटेंड कीजिएगा जो भी लोग नए हैं एक बार सेशन को अंत तक अटेंड जरूर कीजिएगा अंदाजा लगाना कि पढ़ना है कि नहीं सिंपल सी बात है ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए आप सभी लोगों से तय दिल से गुजारिश उम्मीद भरोसा विश्वास यही रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार जल्दी से इस वीडियो के लिंक के कॉपी करके अपने सभी दोस्तों के साथ मेरे भाई शेयर करना स्टार्ट कीजिएगा द मो यू शेयर द मो यू केयर है ना शेयरिंग इज केयरिंग जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करें और आज के सेशन की आगाज हम लोग करने जा रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं भाई सभी लोग बहुत बढ़िया क्या बात है भैया हेमंत लवेंद्र है ना पल्लवी अर्पित आ जाओ दोस्तों और देखिए ये एडिटोरियल देखकर कुछ लोग डर जाते हैं लेकिन ये एडिटोरियल वोकेब शो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग हमारी वोकेबलरी जो एग्जाम बेस्ड है उसको शार्पन करते हैं और राइज करते हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया सौरभ शिवम मुकेश है ना पूजा प्रणाम भैया प्रणाम सूरज चलिए शुरू कर रहे हैं दोस्तों तो क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं जो लोग पहली बार आए हैं बता दूं मैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोर्ट के साथ दिन की शुरुआत करेंगे उसके बाद रहेंगे कल जो वर्ड्स हमने पढ़े थे उन्हें पिक्चर्स के माध्यम से हम रिवाइज करेंगे जिससे जो कल पढ़ा वो रिवाइज हो जाएगा फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर ईडियम्स एंड फ्रेजेस एग्जाम्स में आए हुए फिर उसी की तरह वन वर्ड ऑफ फिर आज के अखबार यानी द हिंदू में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एग्जाम्पल के साथ उनको डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट फिर रहेंगे आपके स्पेलिंग या फिलर का क्वेश्चन सीनेिम्स और एंटेनिम्स के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आएंगे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आएगा यानी ग्रामर का एक रूल डेली हम लोग कैरी करते हैं ठीक है एडिटोरियल पैराग्राफ और अंत में रहेगा आपका डेली सिंपल सा होमवर्क यानी डेली जो होमवर्क आपको दिया जाता है सो दिस इज योर कंप्लीट पैक सेशन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे ठीक है चलिए तो शुरू करें आज के सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से जो लोग आ चुके हैं एक बार अपनी अटेंडेंस अगर लगा सकते हैं तो लाइक सेशन को जरूर कर दीजिएगा जो भी लोग आ चुके हैं चलिए सर कुछ तरीका बताइए डेली रिवीजन के बाद भी देखिए डेली रिवीजन के बाद भी आपको क्या काम है एक तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार आप रिवीजन कीजिए दो दिन बाद वो ज्यादा प्रेफरेबल हो है ना चलिए भाई सभी लोग जल्दी से, से सेशन को लाइक कर देंगे तो क्या है आज का कोटेशन योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस आपका पॉजिटिव अप्रोच यानी किसी कार्य के प्रति पॉजिटिव अप्रोच जब जुड़ जाएगी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तो फिर आपको सफलता मिलनी है यानी किसी भी कीमत पर हमें पॉजिटिव रहना है ये सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात है जो भी लोग पॉजिटिव रहते हैं वे अपने जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं और आप देखेंगे उस पॉजिटिविटी का एक बेनिफिट होता है कि वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को भी स्ट्रांग बना देती है और जब आपकी थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर सफलता तो मिलनी है मानते हो या नहीं तो इसीलिए कोशिश ये करें भाई आई नो हर दिन कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स हर दिन क्या हर एक घंटे में नेगेटिविटी आ जाती है अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई यही क्यों सोचना है ये सोचो ना अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो

देखते हैं आम रेसलिंग में कौन जीतता है तो एक दूसरे से यहां पर क्या है फाइट हो रही है फाइट कह सकते हैं कॉम्पिटिशन है है ना तो कंटेंट का मतलब क्या हो गया कम्पीट करना फाइट करना संघर्ष करना अब इस पिक्चर से आपको ये पिक्चर दिमाग में आ गई थम रेसलिंग कंटेंट वर्ड याद हो गया नेक्स्ट चलिए भैया सोमल सोलमेशन सोलमनाइजेशन देखिए भाई विवाहित दो व्यक्ति हैं है ना कपल बैठा हुआ है अब रिसेप्शन पार्टी है तो सेलिब्रेशन चल रहा है तो सलमनाइजेशन इज नथिंग बट उत्सव सेलिब्रेशन सेरेमनी है ना दे आर होस्टिंग अ सोलमनाइजेशन टू सेलिब्रेट है ना टूगेदरनेस तो सोलमनाइजेशन मतलब क्या हो गया उत्सव हो गया काइंड kind ऑफ of फेस्टिव हालांकि फेस्टिव वो फेस्टिवल से संबंधित हो जाएगा इसीलिए यहाँ सेलिब्रेशन या सेरेमनी ज्यादा बेहतर है कन्फर्ड देखो भाई so, देखिए यहां पर this man is happy because, ना ये खुद अपने बेटे को यहाँ पर डिग्री कन्फर कन्फर कर और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज सो कन्फर्ड का मतलब क्या हो जाता है कन्फर कन्फर करना मतलब किसी चीज का प्रदान किया जाना स्पेशली डिग्री अवार्ड देते हैं सो ग्रांटेड अवार्डेड हिंदी में क्या बोलते हैं दिया हुआ हिंदी में क्या बोलते हैं इसीलिए दिया, है, दिया हुआ है ना वैसे कन्फर शब्द से ही बना है प्रदान करना प्रदान करना नेक्स्ट अनअसेलेबल देखिए जरा अनअसेलेबल ये महानुभाव इस किले पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लाए, सीढ़ी यहीं तक रह गई ये बोले आप कुछ नहीं हो सकता लौट चलो है ना कह राजा परदेसी तेरा देश बोला है आ अब लौट चलने सो so, unassailable इट्स एन एडजेक्टिव इट्स अ इट्स एन एडजेक्टिव राइट एडजेक्टिव के तर्ज पर ये पहुंच नहीं पाए वहां के लिए तक राइट right? तो so, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दिस सिटेडल है This citadel, ना ये जो किला है फोर्ट है ये क्या है अनअसेलेबल यानी ये चोर इसको भेदने आया था भेद ना सका सो अभेद्य अब होली मतलब जिसमें कोई उल्लंघन ना किया जाए है ना वायलेट ना करें उस संदर्भ में होली का यूज किया है हालांकि ये एब्स्ट्रैक्टली यूज किया जा रहा है ठीक है एब्स्ट्रैक्ट आंसर है समझ गया होली सैक्रेड मतलब जिसको कोई खराब ना कर सका इसीलिए हमने होली और सेक्रेड वर्ड यहाँ पर प्रयोग में लाए Understood everybody. Haan, unreachable कह सकते हैं बिल्कुल कल्पना। अनरीचेबल यस ठीक है अनरीचेबल बढ़िया नेक्स्ट गेट अनादर शॉट गेट अनादर शॉट कल इसकी बात हुई थी ये कीडियोमेटिक है ना कुछ और मत समझ लेना गेट अनदर शॉट है ना आई नीड अनदर शॉट गेट अनदर शॉर्ट इसका मतलब क्या हो जाता है इसको मुख्य रूप से बोलते हैं कि भाई हाँ चलो एक और अटैम्प्ट देने के लिए बी अलाउड अनदर अटैम्प्ट कोई टीम क्रिकेट मैच हार जाती है या चैंपियनशिप चल रहा है इंडिया एक कम अंतर से हार गया है ना फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं अभी एक और मौका है सेमीफाइनल में पहुंचने का गेट अनदर शॉर्ट बी अलाउड अनदर अटेम नेक्स्ट रिटरेटेड देखो भैया रिटरेटेड देखिए पिक्चर के अंदर पिक्चर के अंदर पिक्चर के अंदर पिक्चर है ना तो ये खत्म भी नहीं हो रही है एक के बाद एक के बाद एक बार बार जैसे सॉन्ग खत्म हो जाता है तो कई बार आपने देखा होगा ये वाला साइन आता है और इसका ना मतलब होता है रीप्ले तो रिप्ले मतलब वो दोहराया जाएगा ठीक वैसे ही रिटरेटेड मतलब रिपीटेड रिन्यूड दोहराया पास्ट है रिप्लेड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं ठीक है क्लियर है पिक्चर के माध्यम से ये चीज आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से आ चुकी है नेक्स्ट टशल टी यू डबल एस एल ई व्हाट इज टशल टशन नहीं टशल आज मैं तुमको घर नहीं जान दूँगा आज मैं तुमको यहीं पर उठा के पटक दूँगा दे आर लाइक नहीं वो मेरी है तो ना मेरी है वो सबसे पहले मैंने उसे देखा था इसी बात पर दोनों में खमासा हो गया सो so, टशल दोनों संघर्ष कर रहे हैं देखते हैं कौन जीतता है काइंड so ऑफ kind of, अगर मैं बात करूं स्कफल और जिसे क्या बोलते हैं संघर्ष है ना मैं नहीं छोड़ने दूंगा तुमको. मैं उसे छोड़ नहीं सकता मेरी चांद चली जाएगी बहुत बढ़िया शुभम गुड मॉर्निंग मेरे भाई चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं चलिए भैया मीन डर्ड देखो जरा मीन डर्ड कल हम लोगों ने इस वर्ड की बात की थी मीनडर्ड याद आ रहा है हिंदी में नदी का जो रास्ता वो है वो एकदम घुमावदार है राइट तो कोई भी चीज जो वंडरिंग है या रोमड जिसे बोल सकते हैं ड्रिफ्टेड नदी का घुमाव स्पेशली है ना किसी भी नदी का जो घुमाव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेन रोड ठीक है वेरी वेल डन दैट्स वेरी डिफ्टेड बोल सकते हैं रोमड बोल सकते हैं वंडर्ड बोल सकते हैं रेम्यूनोरेशन देखिए भैया रामू का का राशन लाने के लिए तुमको तो कितना है ना पैसा मिला था रैमो ने रैमो ने राशन के लिए पूरी सैलरी खत्म कर दी बताओ आज के बाद कभी ना भूलोगे रामो ने राशन के लिए पूरी सैलरी उड़ा दी तो रेम्यूनरेशन मतलब पेमेंट रेमिटेंस पारिश्रमिक वेजेस सैलरी कहा जा सकता है हालांकि ये दिहाड़ी होती है डे बाई डे है ना चलिए दैट्स सुपर नेक्स्ट पैकिंग पी पैकिंग पी ई सी के आई एन जी पैकिंग क्या होता है वुड पैकर देखा है वुड पैकर चोच मार मार के एकदम निपटा देना है तो so पैकिंग का मतलब क्या हो जाता है पिकिंग जैबिंग चोच मारना क्या बोलते हैं इसको पिकिंग जैबिंग या फिर स्पेशली जैसे क्या बोलते हैं चोच मारना राइट नेक्स्ट ट्रिकल टी आर आई सी के एल ट्रिकल वॉट इज ट्रिकल एवरीबॉडी सो एट दिस पाइप पानी एकदम बूंद बूंद करके आ रहा है लिखा है ट्रिकल तो आप लोग इजीली समझ सकते हो ट्रिकलिंग का मतलब क्या हो जाता है छलकना है ना छलकना जिसे बोलते हैं स्पेशली तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली रिमेम्बर दिस है ना इस चीज का खास ध्यान आप सब लोगों को रखना है और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली थिंग्स वुड हैव बीन इजीली डन फॉर ऑल ऑफ यू है ना ड्रिजल मंद मंद बारिश जो होती है बूंदें गिरती है तो उसे हम लोग ड्रिजल भी कहते हैं तो ड्रिजलिंग इसीलिए यहाँ पर इसका के रूप में आंसर रखा गया है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें आप सभी लोग वेरी वेल डन आगे आ जाते हैं नेक्स्ट डोफिंग ऑफ द डोफिंग ऑफ द हेट आपको बताया था किसी को सल्यूट किया कैप उठा के साइड में रखी तो ये अक्सर डिफेंस में देखने मिलता है टू शो रेस्पेक्ट राइट सल्यूट करना किसी को कि नहीं भाई आप जो कह रहे हो वही सही है है ना तो सल्यूट करना किसी को ऑन सर्टेन पॉइंट चलिए भैया नेसेंस देखो जरा वट इज नेसेंस, नेसेंस. तो एकदम नवजात शिजु है अभी अभी जन्म है ऐसा देख कह सकते हैं हम लोग तो नेसन्स का मतलब क्या हो जाता है किसी भी चीज का जन्म बर्थ जिसे बोलते हैं किसी भी चीज की शुरुआत को भी बोल सकते हैं यस वी कैन इवन कॉल इट शुरुआत ऑफ समथिंग किसी भी चीज की जो शुरुआत है उसे भी नेसन्स कहते हैं नेक्स्ट इज टाउटेड ओ यू टी ई डी नेक्स्ट क्या लिखा है टाउटेड देखो जरा एकदम चिल्ला चिल्ला के दुनियादारी में एकदम रिपोर्ट लिखवा दी भैया ने टाउटेड so, मतलब टू प्रेज लेवली ग्लोरीफाइड क्राइड अप है ना एकदम जबरदस्त तरीके से किसी की तारीफ करना कि भाई उसने मेरे लिए ये किया उसने मेरे लिए ये किया नॉइज तो होगा लेकिन उसमें प्रेज होगी समझ रहे हैं फिल्ड विथ प्रेज मुख्य रूप से जिसमें कहीं ना कहीं है ना एक प्रेज या मैं बोल सकता हूं मुख्य रूप से किसी की तारीफ का सेगमेंट वहां पर देखा जाता है राइट एवरीबॉडी नेक्स्ट reincarnation देखो जरा री सॉरी reincarnation reincarnation what is reincarnation तो देखिए जन्म हुआ है मृत्यु होगी मृत्यु होगी तो जन्म होगा जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है तो इसी मध्य भाई है ना मेरे करण अर्जुन आएंगे क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उनका reincarnation हुआ मतलब पुनर्जन्म है ना फ्रेश एम्पाट एकदम नए तरीके से चीजों का प्रस्तुति करा है ना तो ये ध्यान रखिएगा का, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे के सारे एग्जाम स्पेसिफिक आगे बढ़े अंडरस्टूड नेक्स्ट आते हैं एंड फ्रेजेस भैया एवरीबॉडी दे आर एसेंशियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आपको इनका आंसर बहुत ध्यान से देना है ठीक है रेडी एवरीवन चलिए तो देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं दे हैव मेड मेनी चेंजेस In the policy, but how many of these changes are going to affect the man in the street? So, who is man in the street? What is the meaning of man in the street? The homeless man, a street smart guy, a man who owns a stall on the street, a man who repairs roads. A man in the street.

राजपूत वॉरियर्स सेट देस्ट द इनवेडर चलिए भैया टाइम्स up, टाइम्स up। फटाफट से आंसर करें कम गाइस नीता राजेंद्र शैली बेघर आदमी है ना प्रॉपर हिंदी शैली है सुपर चलिए भैया जल्दी से बताइए तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं Opposed strongly। है ना मतलब तुम ना होगे यहाँ यहां पर निकल लो यहां से होता है ना कभी कभी एक परिस्थिति नीड यू टू बी हियर जस्ट गो अवे फ्रॉम दी गारंट्री गारंट्री नेक्स्ट वी टेन टू टेक फॉर ग्रांटेड दॉर्न लाइफ वी take for टू टेक फॉर ग्रांटेड modern लाइफ To respect, to admit, not to give much thought to, to depend on. बताइए क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर सभी लोगों का टेक टेक फॉर ग्रांटेड ऐसे बोलते हैं ना टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट टू गिव मच थॉट टू है ना किसी चीज पर उतना ध्यान ना देना जैसे कई बार होता है ना हिंदी में सुना है कहावत घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति है जो एक ऑफिसर है या फिर जो कोई सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाते हैं फिर भी हम दूसरे के यहाँ पढ़ रहे हैं या दूसरे से कोचिंग ले रहे हैं तो यही बोलते हैं ना कि भाई अपने फायदे के लिए चीज़ों को तो आप कैरी करनी कर पा रहे तो एक ह्यूमन बिहेवियर है पता है एक ह्यूमन बिहेवियर है कि आसानी से अगर फ्री में चीजें मिलती हैं तो हमें उसमें नुक्स निकालने की आदत होती है ये देखना और जहां पैसे दिए हैं देखो तो पैसा देने से मन लगता है तो आप जान मुझ के मेहनत करोगे आई एम नॉट टेलिंग भाई ये चीजें मतलब YouTube पे चल रहा है ये ठीक है it's, it's really still, आप देखेंगे देर आर लॉट ऑफ गोइंग हुएंग मतलब यहाँ भी बातें ही कर रही है कुछ लोगों के संग ऐसा है कुछ लोग सीरियस होते हैं तो वहां तो उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना सो टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने कोट के कोट को उतना ही काटिए जितना की आपके पास कपड़ा है तो उसका मतलब क्या है लिव विद इन योर बीम्स यानी जो भी जीविका कमाई जा रही है उसके अंतर्गत ही जीवन यापन करना ठीक है लिव विद इन योर मीन्स चलिए आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए वांट टू नो एक बार जल्दी से बताओ वांट टू नो थम्स सभी लोग चलो पहले तो बताओ आंसर प्री हेल्थ। मतलब खुद के हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा एकदम मतलब एक्सेसिवली चीजों को सोचना बताओ जरा सब लोग जानना चाहते हैं चलिए तुमको बता ही देवत है एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विंस हेल्थ hypochondria malaise disaffected exception so exception means अपवाद, ठीक है मलाइज बोले तो दुर्भावना हाइपोकॉन्ड्रिया दैट्स फॉर द राइट आंसर ठीक है कई बार होता है ना कि भाई कुछ लोगों की एक परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी लगने लगती है देखे होगे आई होप आप सब लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ लोगों को छोटी सी बीमारी बड़ी लगने लगती है तो उसे हम लोग हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर कहते हैं विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट मतलब जिसमें पनिशमेंट का कोई रिस्क नहीं है इम्प्यूटेंट इम्प्यूनिटी इनएजोरेबल इम्पर्टरेबल सारे के सारे शब्द एग्जाम्स में एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल में पूछे गए यस दीज ऑल दर्ड्स विच ऑलरेडी बीन आस्क्ड ठीक है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे शब्दों पर वो बोल रहा है कि जिसमें पनिशमेंट का कोई रिस्क नहीं है मतलब सब नॉर्मल है सबसे पहले यहाँ पर वर्ड देखते हैं इनएक्सोरेबल इसका मतलब काफी कठोर है ना जैसे हार्श कह सकते हैं अब इनपर्टरेबल शब्द की बात करें तो भैया जो अड़िग है आसानी से जो विचलित नहीं होता ठीक है उसको डिटरमिंड भी कह सकते हैं अड़िग भी कह सकते हैं अब इम्प्यूडेंट और इम्प्यूनिटी इम्पोर्टेंट बोला जाता है एकदम थोड़ा सा बेशर्म काइंड ऑफ इंसान ब्रेजन तो विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट क्या हो गया इम्प्यूनिटी ध्यान रखना यूनिटी से याद रखना कि उन सब में तो बहुत यूनिटी है वे सब एक साथ ही हैं, उन सब में तो बहुत ज्यादा यूनिटी है वे सब एक साथ ही है, है ना तो इस चीज का ध्यान रखना ठीक है अच्छा यू अ क्लासमेट रिस्क फोबिया काइंड तो नहीं बोलेंगे बट ठीक है जिसमें पनिशमेंट का कोई रिस्क नहीं है वो काम कर दिया इजिस्टेबल क्रेविंग फॉर बीइंग ह्यूज पैसे वाला होने की चाह टिप्सोमेनिया गैलोमेनिया, <laughs> खूब सारा पैसे वाला होने की चाह बताइए जरा खूब सारा पैसे वाला होने की चाहनी दंडनीय बिल्कुल बहुत बढ़िया मीनाक्षी बताएं देखिए पैसे की चाह जिसकी बहुत ज्यादा है सबसे पहले डिप्सोमेनिया क्रेविंग फॉर एल्कोहोल क्लैप्टो चोरी चकारी स्टीलिंग पायरो आग लगाने का किसी की चाह हो रही है आंसर होता है मगैलोमेनिया मैगलोमेनिया मगैलोमेनिया दोनों इसके उच्चारण है ठीक है तो मगैलोमेनिया का मतलब क्या हो जाता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये दर्शाता है क्या दर्शाता है कि भाई बड़ा बनने की चाह इन हिंदी इट इज कॉल्ड बड़ा बनने की चाह

बड़ा बनना अच्छी बात है लेकिन अच्छा बनना बड़ी बात है दैट इज वॉट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर ये ऑफ माई टीचर्स वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स हैज टोल्ड मी और ये बात मैं हमेशा ध्यान रखू ये बड़ा बनना बहुत अच्छी बात है लेकिन अच्छा बनना उससे बड़ी बात है तो याद रखिएगा यू हैव टू बी ग्रेट वन हु हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी जो अपने प्रिंसिपल्स जो भी उद्देश्य हैं पार्टी छोड़ के दूसरे के यहाँ चला जाए सो अपोस्टल प्रोसेलिटाइज है ना जो धर्म छोड़ दे और जो छुड़वा दे दोनों वर्ड हैं ये क्रिटिक आप जानते हैं आंसर हुआ रेनेगेट ठीक है बहुत ही बढ़िया शानदार एवरीबडी दिस इज वॉट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यर है ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं चलिए भाई मार्च एडिटोरियल वर्ड्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ठीक है तो शुरू करें अपना कोर लेकिन मैंने आपको एक बोला था एक सरप्राइज सी जी एल की प्रिपरेशन कर रहे हो है ना तो आपका भाई आप लोगों के लिए आज से लेकर आ रहा है एक स्पेशल इंग्लिश की क्लास डेडिकेटेड सी जी एल सी एच एस एल दोनों के लिए लेकिन इसका टाइमिंग दस बजे होगा तो सब लोग आएंगे क्या बस मुझे बताओ क्योंकि कुछ लोगों का था कि सर बैक टू बैक इंग्लिश हो जाता है पहले इंग्लिश पढ़ते हैं फिर जी जीएस एस होता है फिर इंग्लिश हो जाता है तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आज से सुबह ठीक दस बजे हम लोग एस एस स्पेशली सी को टारगेट करने वाले हैं दो और मेरी जो क्लास होगी वो ठीक दस बजे होगी तो सब लोग तैयार हैं फॉर दिस अमेजिंग सरप्राइज तो नौ बजे वाली क्लास जो है वो दस में तब्दील हो जाएगी बस इसे बेसिक से लेकर चलेंगे ठीक है आयुषी नहीं नहीं इसी चैनल पर होगी दिस विल बी ऑन दिस दिस चैनल चैनल ओनली ओनली ऑन ये भी कंफ्यूजन खत्म कर लेना इट विल बी ओनली ऑन एसएससी अड्डा यहाँ लिखा है ना चैनल का नाम देखो एसएससी अड्डा है ना तो यही इसी चैनल पर होगी आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास है एंड ट्रूली ऑनेस्टली दिस इज गोइंग टू बी वर्थ वायल्ड ठीक है तो सब लोगों को जुड़ना है कितने बजे दस बजे और आज मैक्सिमम सब लोग इस सेशन को शेयर कर देना सेशन लग चुका है आफ्टर द क्लास चलिए तो आते हैं एडिटोरियल वर्ड्स पर हम लोग एग्जाम्पल के साथ वर्ड्स का डिस्कशन करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से और खास तौर से ध्यान देना सभी चीजों का पहला वर्ड है दैट इज कंटेजियन 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 का मतलब क्या हो जाता है वायरस इन्फेक्शन रोग संचार या मैं बोल सकता हूँ अ कंटेजियस डिस समझ गए कंटेजियस डिसीज का मतलब एक ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी जल्दी है ना एयर के थ्रू वाटर के थ्रू ट्रांसफर होती है सामान्य रूप से बुखार जुखाम आपने सुने होंगे तो यहाँ पर कंटेंजियन कंटेजियन सॉरी कंटेंजियन वर्ड का यूज हुआ है इसका मतलब भी क्या होता है किसी भी चीज का संचार एकदम बहुत तेजी से होना समझ गए एग्जाम्पल देखेंगे द रूमर स्प्रेड लाइकियन कंटेजियन तो याद रखना अफवाहें इसी तरीके से तेजी से फैलती हैं अफवाहों का एक खास तौर से एक अरा रहा है कि भाई अफवाहें जो होंगी बड़ी तेजी से फैलेंगी तो इनमें मतलब कोई दूसरा पॉइंट होता ही नहीं है कि भाई इसके बारे में एक खबर आई सीधे स्प्रेड आउट हो गई और वो भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई है चलिए भाई नेक्स्ट इज फॉल्टरिंग फॉल्टरिंग ठीक है अगर कुछ फॉल्ट हुआ है देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूं अगर कुछ फॉल्ट हुआ है तो बोलने में जुबान लड़खड़ाएगी तो वो संकोच करेगा हेजिटेटिंग अनसर्टेन है ना अनिश्चित लड़खड़ाना पैराग्राफ में ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, है ना ही हैज गॉट फॉल्टरिंग वॉइस उसकी आवाज एकदम लड़खड़ाती हुई है नेक्स्ट मेक अ बी लाइन मधुमक्खी वाली लाइन बना लेना सब एक के पीछे एक के पीछे एक चल रहे हैं तो फिर अंत में जाकर जल्दी से पहुंच जाएंगे टू गो क्विकली एट समथिंग किसी चीज की ओर बहुत तेजी से अब समथिंग और समवन दोनों हो सकते हैं किसी व्यक्ति की ओर तेजी से जाना जैसे ही मेड ए बी लाइन फॉर द किचन एकदम बहुत जल्दी से वो किचन की ओर पहुंच गई अलैक्रिटी कल एप्लीकेशन पर जो क्लास हो रही थी 8247 की उसमें भी ये वर्ड आया था अलैक्रिटी आज पैराग्राफ में भी है सो दैट्स डीसेंट कि मैं यही बोलता हूं कि जो आप पढ़ रहे हो अगर एग्जाम में आपको दिख जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो उसका प्रभाव सिर्फ एक सब्जेक्ट पर नहीं सभी सब्जेक्ट्स पर पड़ता है राइट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो अलैक्रिटी का मतलब क्या हो जाता है मैंने आपको कल बताया था अलग आकृति देखकर जैसे कभी आप किसी रिलीजियस प्लेस पर गए हो वृंदावन गए हो कभी तो ईश्वर की प्रतिमा का दर्शन जब आप करोगे तो आप बोलते हैं ना एकदम एंथजियाज्म से भर जाते हैं कि आज तो दर्शन हो गए है ना ईश्वरवादी लोग तो स्विफ्टनेस एंथोजियाजम उत्साह से परिपूर्ण दैट इज अलैक्रिटी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद अलैक्रिटी उत्साह के साथ एकदम होता है ना कोई घर पे इनवाइट करने आया तो भाई उनका इनविटेशन एकदम उत्साह के साथ एक्सेप्ट किया बोलस्टर बी ओ एल एस टी आर बोलस्टर का मतलब क्या हो जाता है सपोर्ट बटरस करना एकदम सपोर्ट करना रेजिलियंट अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड रेजिलियंट का मतलब क्या हो जाता है एकदम लचीला कोई भी चीज है लचीली है फ्लेक्सिबल जैसे कह सकते हैं है ना समथिंग दैट इज फ्लेक्सिबल द इकोनॉमी में प्रूव मोर रेजिलियंट तो जो अर्थव्यवस्था है है ना जो आर्थिक परिस्थिति है वो और ज्यादा लचीली हो सकती है है ना संभव है और ज्यादा लचीली हो जाए संभव है बोलस्टर वो गोल तकिया भी होता है सोफा काउच पर बैठते हो टिकने के लिए जो दैट इज दैट पिलो ज ऑल्सो बोलस्टर तो नाउन के रूप में है ना गोल तकिया समझ के दट इज ऑल्सो योर बोलस्टर ध्यान रहेगा ग्रेट नेक्स्ट इज डेटरेंट डी डबल आर ई एन पी डेटरेंट का मतलब क्या होता है हिंदी बोलते हैं इसको निवारक है ना स्पेशली मोशन है ना सो so, प्रिवेंटिव कोई चीज डिफेंसिव रोक दे है ना दर्द निवारक सर दर्द हो रहा है सम मेडिसिन एंड दैट मेडिसिन प्रूव टू बी डेटरेंट उस मेडिसिन ने दर्द को भगा दिया तो एकदम उसे क्या बोलेंगे दर्द निवारक है ना पेन डेटरेंट अंडरस्टूड बहुत ही बढ़िया बिल्कुल उत्कर्ष क्या हुआ भाई तुम तो एकदम मतलब इतना शुक्रिया आओगे ना हाँ तो बिल्कुल दस बजे सबको आना है और दो चार हजार लोगों को लाना है साथ में एक आदमी पांच लोग लाएगा है आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट वर्ड इज दईजु दु पढ़ चुके हो पहले deja vu का मतलब क्या हो जाता है कि भाई हाँ deja vu, पहले भी वो एक्सपीरियंस कर चुका है उसी आधार पर कह रहा है देखिए मैंने लिखा है समथिंग एक्सपीरियंस बिफोर कोई भी चीज जो पहले भी अनुभव की है उसके संदर्भ में दईजू क्या बात है प्रमोद प्रणाम भाई प्रमोद लेट हो जाओ तुम आजकल है सात बजे क्लास में आ जाया करो तुम भी भले ड्यूटी पे हो अब देखो यहाँ पर प्रमोद हमारे बीच में है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में है भाई अपने और फिर भी क्लास अटेंड कर रहे हैं क्योंकि विजन काफी स्ट्रांग है है ना तो वेलकम भाई तो दे जबू का मतलब क्या होता है समथिंग एक्सपीरियंस्ड बिफोर है ना ध्यान रखना हाँ सॉन्ग एज वेल आते भाई स्लाइड नंबर टू पर एवरीबडी स्लाइड नंबर दो पर आते हैं शब्दों का ध्यान रखेंगे चरण है ना और फोकस करना चीजों का चलिए भैया -E एक ईडीएम की तरह भी यूज होता है ये ह्यू एंड क्राई समझाता हूँ इसको हिंदी बोलते हैं इसको चिल्ल जैसे किसी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड जगह पर आप पहुंच गए है ना बच्चे की चिल्लाने की आवाज लोगों की चिल्लाने की आवाज जब मेले में कभी होता है ना चार आवाज मिक्स हो जाती है एक बच्चा खो गया है जी हाँ मेरे भाई एक बच्चा खो गया है है ना उधर दूसरी तरफ से आवाज आई है है ना दस के दो लीजिए दस के दो लीजिए दस के दो लीजिए है ना उधर से सॉफ्टी सॉफ्टी मतलब पचास तरह की चीजें ठीक है।, है तो ह्यू एंड क्राई बहुत ज्यादा चिल्लाहट को बोलते हैं अब ह्यूज अलग क्या है अब देखो इसमें अलग अलग तरीके की आवाज आ रही थी अलग अलग तरीके की तो एस्पेक्ट्स पहलू complexion shades रंग है ना जीवन के अलग-अलग रंग ह्यूज पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ एवरी ह्यू है ना प्रत्येक ढंग की प्रत्येक रंग की पॉलिटिकल पार्टी देखते ही हम इन डॉक्ट्रिनेटेड देखिए भैया इंपॉर्टेंट शब्द है डॉक्ट्रिनेट डॉक्ट्रिन होता है डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है पॉलिसी सिद्धांत जिसे बोलते हैं ठीक है अब इनडॉक्ट्रिनेटेड ऑपोजिट नहीं है इसका मतलब क्या होता है किसी को शिक्षित कर दिया ट्यूटर्ड भैया पढ़ा लिखा दिया समझा दिया है ना कि तुमको जैसे डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी ये बात उसे समझा दी है ना डॉक्टर बनने के लिए ये बात उसको समझा दी कि तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी नेक्स्ट ठीक है इन डॉक्ट्रोनेटेड चिल्ड्रन इन प्रॉपर सेफ्टी एजुकेटेड चिल्ड्रन को प्रॉपर सेफ्टी में रखा गया ट्यूटाइल पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत सिंपल सा वर्ड है इसका मतलब क्या हो जाता है व्यर्थ कोई भी चीज है All attempts to escape have been futile. है है ना ना बचने के जितने हथियार फेंक दो पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है अब तुम बच नहीं पाओगे All attempts to escape have been futile. इस तरीके से असोल्ट असोल्ट मतलब क्या होता है एकदम वायलेशन अटैक अग्रेशन बहुत ज्यादा गुस्सा ही वॉज अरेस्टेड फॉर इज असोल्ट जो भी उसने हिंसा आक्रमण किया उसके लिए उसको क्या मिला अरेस्ट कर लिया गया धर लिया गया है ना बैरन बहुत बढ़िया बैरन बंजर बंजर सब बोलते हैं इसके लिए नेक्स्ट इज पैरिस्ड पीई आर आई एस एची पैरिस्ड इस शब्द के बारे में अगर मैं आपसे कहूं देखिए पैरिस्ड का मतलब किसी भी चीज का नाश हो जाना यानी कोई चीज अब समाप्त हो चुकी है सो डेड बोल सकते हैं एक्सटिंक्ट बोल सकते हैं लॉस्ट या वैनिस्ट आजकल इसका यूज प्रजातियों के लिए है ना कि ये जो प्रजाति है वो अब पहले हुआ करती थी अब नहीं है कई शब्द ऐसे होते हैं जो आजकल चलन में ही नहीं है अब यूज ही नहीं होते तो दे आर ऑल्सो पैरिज है ना सिक्स स्कूल एम्प्लॉयज अब यहां डेथ के सेंस में ही यूज हो रहा है नेक्स्ट इज डिस्कोर्स डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है कॉन्वर्सेशन कलॉलिक बातचीत जिसे बोलते हैं हल्की फुल्की बातचीत है ना बातचीत कॉन्वर्सेशन जो चल रहा है है ना ह्यूज डिस्कोर्स बिटवीन है ना ही एंड हिज फ्रेंड्स नीजर्क नीजर्क जान तो अब नी माने घुटना जर्क माने झटका अब झटका बोल के तो नहीं लगेगा कि ना साहब थोड़ी देर के लिए मैं झटका लग लू तो ये क्या होता है ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस तत्ण उसी तरह है ना कि भाई हो सकता है कि बोन झटका देगी लास्ट वर्ड इज फेतम फेतम का मतलब क्या हो जाता है किसी चीज की गहराई मापना किसी भी चीज की गहराई मापना गुड मॉर्निंग श्रुति भाई किसी चीज की जो गहराई है वो कितनी है तो किसी चीज की गहराई का मापन करना है ना उस संदर्भ में हम इसका यूज करते हैं ठीक है आगे बढ़े चलिए देखिए भाई कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको यहाँ मिल जाते हैं दोनों स्लाइड्स पर ये एडिटोरियल वर्ड्स हैं अब आते हैं करेक्ट स्पेलिंग बताइए भैया मोनोलॉग की एक तो डायलॉग होता है दो लोगों के बीच एक मोनोलॉग होता है वो खुद ही बोलना है है ना कई सारी मूवीज आपने देखी होंगी मोनोलॉग एक मूवी आई थी प्यार का पंचनामा काफी समय पहले उसमें कार्तिक आर्यन साहब का एक बहुत लंबा सा डायलॉग था हम्म तो वो मोनोलॉग हो जाते हैं बातचीत में नहीं बस एक ही व्यक्ति एकल भाषण सो दोनोलॉग एमओ एनो एलो जी यू ये तो सेम ही लग रहे हैं क्या एमओ एनो एलो जी यू एलोजी ओ ठीक है बी और सी में से कुछ भी लगा दो ये ऑटो करेक्ट कर गया है समझ रहे हो ना ये ये एम एस ऑफिस चलिए सिनेम्स पर आते हैं एवरीबॉडी सिनेम एन तो आज की सीजीएल की क्लास कितने बजे है टेन ए पर आओगे ना सब लोग भूल ना जाना है ना सबको आना है है ना निमंत्रण है भाई भाई की तरफ से और पहले दिन सबको सबको जुड़ना है फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी बनाएंगे हम लोग चलिए परनीशियस सिनेम बताएं परनीशियस मिनिट के सॉरी माइन्यूट केयर रेलेवेंट डिस्ट्रक्टिव विजिलेंट चलिए भैया समय समाप्त परनीशियस हार्मफुल अब हार्मफुल के लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं तो डिस्ट्रक्टिव रेलेवेंट मींस उचित विजिलेंट मतलब सतर्क माइन्यूट केयर थोड़ी बहुत केयर करना नेक्स्ट रेस्पाइट आर ई एस पी आई टी ना जो स्कूल में रिसेस होती थी तो वो इतने सारा समय होने के बाद थोड़ा सा समय मिलता था मूड फ्रेश तो को बोलते हैं रेस्पाइट हडल एच यू डबल डी एल वॉट इज हडल स्केटर डिवाइड असेंबल सेपरेट एच यू डबल डी एल ई ये हाल ही में एक एग्जामिनेशन में पूछा गया वर्ड है हडल का मतलब क्या होता है लोगों को जोड़ना साथ में आना है ना इकट्ठा करना मुख्य रूप से क्या बोलते हैं लोगों का इकट्ठा होना यानी इकट्ठा करना लोगों का हडल ठीक है दोस्तों एवरीबॉडी हडल इसका ऑपोजिट क्या हो जाता तो देखो स्केटर है सेपरेट है

छोड़ देना तो देखो एग्जोनोरेट लिखा है ये इसका सीनेम हो गया सर्ज का मतलब तो बढ़ना होता है तो आंसर हो गया रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन माने रोकना रुकावट ब्रस्क ब्रस्क एस्टी एब्रप्ट क्रस्टी हमल चलिए चलिए कमोन एवरी बॉडी ब्रस्क तो उसका जो ब्रश है वो काफी ब्रस्क हो गया है उसका जो ब्रश है वो काफी ब्रस्क हो गया है तो ब्रस्क शब्द का मतलब क्या होता है एकदम असिस्ट अब हेस्टी माने जल्दी भी ऐसा तो आंसर पर शिष्ट होने के लिए हम्बल बोलेंगे कोई व्यक्ति काफी शिष्ट है शिष्टाचार से भरा हुआ है एब्रप्ट का मतलब सडन हो जाता है पढ़ाता ही हमने सडन एंड अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज जो क्रस्ट से संबंधित है क्रस्टी ठीक है ना तो ध्यान रखने की कोशिश करना एग्जामिनेशन में क्रस्टी हम उसे भी बोलते हैं एक व्यक्ति जो होता है ना तो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है क्रोधित हो जाता है क्रोध में आ जाना हाँ उसे भी क्रस्टी बोलते हैं तो अब बैड टेम्पर्ड इसको बैड टेम्पर्ड भी बोलते हैं ठीक है तो दोनों ध्यान रखना आगे बढ़े चलिए डिटेक्शन प्रेमा इज द गर्ल इन माइ क्लास हु राइट ब्यूटिफुल पोएम्स बताओ क्या गलती है किधर गलती है भैया किधर इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट अब देखिए हु किसके लिए आ रहा है प्रेमा के लिए तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो राइट होगा या राइट्स इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है

आरबीआई शुड एंश्योर बैंक सुनिश्चित करना चाहिए दैट बैंक आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्लोबल कंटेंजन मिसमैनेजमेंट आरबीआई को यह सुनिश्चितता देनी चाहिए कि बैंक को कोई दिक्कत नहीं है ग्लोबली जो भी हो रहा है होने दो इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना देखिए भाई एक अच्छा पैराग्राफ है सब लोग पहले रीड करेंगे मैं खुद को करता हूं गायब दो मिनट का टाइम है यू हैव टू मिनट टू रीड इट आउट नॉट मोर देन दैट ठीक है Your time starts now. Everybody, you should read. Anna, go for it. अच्छा राम चलिए बहुत बढ़िया यार धन्यवाद कहाँ पे राम थैंक यू थैंक यू फॉर द नॉलेजमेंट उन्नीस को एग्जाम है ऑल द बेस्ट ने दी अच्छे से कैरी करो एग्जाम मजा आ रहा है पढ़ने में अच्छा इसके बाद एक अभी आप लोगों को शायद तुरंत बाद नहीं दिखे आप लोगों का स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी है पता है ना आपको चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं कहाँ कहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बात करेंगे ठीक है और जो जो चीजें हैं वो आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना यहां पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना और कोई नई बात होगी तो वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा ठीक है प्लीज ध्यान से देखिएगा ठीक है चलिए फॉल्टरिंग बैंक लड़खड़ाती है यूएस वेस्ट कोस्ट स्पार्कड मोमेंट यानी कहीं ना कहीं उसमें एक डेजू मोमेंट देखने मिला यानी पहले ही वो स्पार्क देखने मिला अक्रॉस ग्लोबल मार्केट पूरे विश्व में लास्ट वीक एज फियर्स ऑफ अ लेमन रिडक्स ट्रिगर्ड ये एक बैंक की प्रक्रिया या बैंक का नाम है ये ध्यान रखना यह कोई वर्ड नहीं है ट्रिगर्ड यानी एक्टिवेटेड शार्प डिक्लाइंस इन बैंकिंग स्टॉक्स देखो दिख रहा है ना लेमन रिडक्स ट्रिगर्ड इसकी वजह से क्या हुआ बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं उसमें काफी डिक्लाइन देखने मिला वर्ल्ड वाइड एंड सॉ इन्वेस्टर्स मेक अ बी लाइन है ना तो फिर इन्वेस्टर्स ने एकदम बहुत तेजी से क्या किया अपने एसेट्स को गोल्ड की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया कि भाई इस तरफ चलना है हाउ ओवर द कोर्स पूरी इस प्रक्रिया में कितने दिन चली ऑफ फोर डेज फ्रॉम फ्राइडे रेगुलेटर्स इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी एक्टेड विद इलेक्क्रिटी जो रेगुलेटर पूरे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैं बोलूँगा इकोनॉमी के अंतर्गत हैं उन्होंने एकदम उत्साह के साथ इसमें एक्ट किया टू बोलस्टर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम जिससे कि वे लोगों का भरोसा ना उठ जाए

तो ये जो घाटा या परेशानी जो हुई है तो इसके मद्देनजर उन्होंने पहले ही कह दिया कि कोई ऐसी इशू नहीं होगा है ना और जो भी पैसा जिसका जाएगा वो पूरी तरीके से पे किया जाएगा शेयर होल्डर्स ऑफ द टू बैंक वुड हाउ एवर नॉट टू बी प्रोटेक्टेड रेगुलेटर सेड जो रेगुलेटर हैं उन्होंने कहा कि जो शेयर होल्डर्स हैं बैंक के दे आर नॉट प्रोटेक्टेड ये उन्होंने बोला ऑन मंडे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन सो टू री द नेशन उन्होंने नेशन को राष्ट्र को दोबारा से वहां पर आ, सुनिश्चित किया एंड ग्लोबल मार्केट दैट वाज कमिटेड टू मेंटेनिंग देखो बी के साथ कमिटेड कमिटेड टू टू आएगा प्लस फॉर्म आएगी ये ग्रामर का पॉइंट है बी प्लस कमिटेड टू इसी चीज के लिए अड़िग रहना अरेजिलियंट बैंकिंग सिस्टम एंड वुड मूव टू साइमल्टेनियसली टाइटन रेगुलेशन फॉर बैंक्स जो रेजिलियट बैंकिंग सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए फिर से कुछ कड़े नियम वहां पर बनाए जाएंगे एंड टू मेक इट लेस लाइकली फॉर सच फेलियर्स टू अकर अगेन और ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह के जो फेलियर्स हैं दोबारा से घटित ना हो वेल द कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स हैव एट लीस्ट फॉर नाउ रिस्टोर्ड अ डिग्री ऑफ काम इन मोस्ट मार्केट्स जो एकदम सुसज्जित स्टेप लिए गए हैं कुछ समय के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट में एक शांति का माहौल बना दिया है बट देर आर लेसन दैट हैव एंड अदर्स दैट कुड ओवर टाइम लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लेसन हैं जो हमें इससे सीखने चाहिए और कुछ चीजों को यहाँ पर बटोर कर रखना चाहिए कि जिससे आगे आने वाले समय में हम चीजों को और भी ज्यादा इफेक्टिवली ले पाएं ग्लीन्ड मतलब सुयोजित करके रखना बटोर के रखना है ना तो आप देख सकते हैं दिस वॉज द पैराग्राफ दैट वी हैव गॉन थ्रू फ्रॉम हियर ठीक है तो प्लीज ध्यान रखिएगा आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर 21 तारीख से आप लोगों का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है दैट इज स्पेशली फॉर सी और इसमें एल भी कवर हो जाएगा तो आप इसको एनरोल करेंगे चौदह सौ रुपए में मिलेगा विद कोड वाई टू सेवन एट इससे अच्छा पैक ले लीजिए आज सब लोग लाइव क्लास रहेगी इंटरेक्टिव रिकॉर्डेड क्लास सीजीएल टीयर वन और टीयर टू दोनों कवर होंगे रिविजन बैचेस मॉक टेस्ट ई बुक्स और बहुत कुछ तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के वेबसाइट पर जाना है और वहां से आपको Y278 कूपन कोड से प्लस कॉइंस लगाकर एनरोल कर लेना है सीजीएल का महापैक लगभग 2387 का मिल जाएगा फ्रॉम एप्लीकेशन मिस मत कीजिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी और दिस इज योर एसएससी का महापैक एवरीबडी है ना तो इसमें तो आपको ऑल एसएससी एग्जाम्स आर बीइंग कवर्ड सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट सब कुछ अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा मॉक टेस्ट ई बुक्स सब कुछ इसी में डिस्काउंट कोड ध्यान रखना आपके भाई का वाई टू सेवन एट ठीक है और आज दस बजे जुड़ना है ठीक है और अभी स्पोकन इंग्लिश में चलते हैं फिक्शन शब्द का सिरेनेम बताना है आपको अभी जवाब मत देना कॉमेंट सेक्शन में आफ्टर द वीडियो एंड्स है ना जिससे मैं आपके कमेंट देख पाऊँ कि भाई किसने क्या जवाब दिया तो सब लोग ध्यान रखें जिन्होंने अभी तक अडेट ट्वेंटी फोर सेवन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है प्यारे साथियों डाउनलोड जरूर कर लो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है विद माय नेम ठीक है चलिए तो अब से सबको सात बजे रेगुलर रहना है जो लोग आज पहली बार आए हैं और सेशन को लाइक करते हुए जाना शेयर करना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना चलिए चलते हैं हमारे अगले भाग पर स्पोकन इंग्लिश अगर डायरेक्ट ना क्लास मिले अभी शायद हो सकता है करंट अफेयर्स की दिख जाए लेकिन आपको एस एस अड्डा पर जाकर क्योंकि अभी दस मिनट का शो हमारा वो भी है ऑल द बेस्ट गाइज ठीक है चलते हैं